है खास हर अंदाज। किशन तो तुम्हारा दोस्त है ना, फिर दोस्ती के नाम पे धोखा देने में शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हें काम करो, तुम अपनी आंखों के साथ साथ अपना मुंह भी बंद करो। सीए का बच्चा यहाँ आ ही नहीं पाएगा, बहुत अच्छा इंतजाम किया उसका। क्या? तो पहली बोली 4 करोड़ से शुरू होगी। 4 करोड़ 50 लाख। 4 करोड़ 50 लाख। 2। 10 करोड़। वाह बल्ले बल्ले, आपने तो साइन कर दिया, मजा आ गया। वाह, मेरे को पेपर में एक शर्त पे चाहिए। वो शर्त ये है, मुझे पेपर वासु जी की माँ के हाथों से चाहिए। रूप रानी ठाकुर, ये तो मेरा नाम है। इसका मतलब? मतलब ये दादी कि ये घर आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। ये घर हमने ही खरीदवाया है, वो भी हमारी दादी के नाम पे। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, it's too dangerous। बेटा ये नकली चक्कू है। दोनों लड़कियों को तुम्हारी सुरक्षा करनी है और यही है दूसरे वचन की प्रतियोगिता। दूसरा वचन? मेरी सुरक्षा क्या है? देख के नहीं चल सकती क्या? एकदम डिट्टो सेम टू सेम है भैया जी। तो लाओ दिखाओ ना फिर। इसी के शरीर में ऐसे घुसेगा जैसे मक्खन में घुस रहा। एक बार में शिकार की रामलीला खत्म। अब चाकू किसके पास है? अरे हमारे पास है, शाम को जब जाएंगे जाने से पहले दे जाएंगे। साक्षी एक बात तुम मेरी कान खोल के सुन लो, अगर मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ तो वो सिर्फ अग्नि की वजह से है। सपने देखने में और उन्हें पूरा करने में फर्क होता है। आप हमें इस कमरे से बाहर नहीं निकाल पाए, अपनी जिंदगी से खाक निकाल पाएंगे? आज की शाम ना तो रहेंगे भैया और ना रहोगे तुम। ये चाकू ना संभाल के वासु को दे देना। तुम दोनों मिलके जीजी के लिए उनकी पसंद का केक बनाओ। ये बहुत अच्छा आइडिया। हम केक बनाएंगे, हम और किशन जी मिलकर आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा केक बनाए। एक बार किशन और अग्नि को एक कमरे में बंद करते हैं और फिर बाद में किशन और साक्षी को बंद करते हैं। अब देखते हैं किसके साथ कमरे में रहने के बाद किशन के चेहरे का रंग गुलाबी पड़ता है। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे बेहुदा बात करते हुए? और हमने अपने किशन को ऐसे संस्कार नहीं दिए। तुम अपने बेटे समीर को ऐसी परवरिश जरूर दे सकती हो। मेरे किशन की अपने बेटे समीर के साथ कभी तुलना मत करना, क्योंकि मेरा किशन तुम्हारे समीर की तरह बिल्कुल है ही नहीं। अब आप अगर मेरे बेटे के चरित्र पर कीचड़ उछाल ही रही हैं तो सुनिए, इस घर में हम सब ने देखा है किशन का अग्नि के प्रति उतावलापन, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किशन और अग्नि का कोई रिश्ता ही ना रहा हो। आई तो हमार तरफ से। अब आएगा मजा। इंस्पेक्टर होकर अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाई तो मेरे घर को क्या संभाल पाओगी? सच तो ये है तुम्हारी जैसी लड़कियां घर द्वार परिवार संभाल ही नहीं सकती है। किसको फोन लगा रहे हो? उधर देखिए आप। देखा? संजय ने जो है वो अभी पटाखा कहाँ छोड़ा है। बड़ी माँ तुम्हारे साथ थी। मगर अब नहीं है हमारे साथ, हमको नहीं पता वो कहाँ है। चाची जी वो तोहफा आपने सबके सामने हमें दिया है और सबके सामने। ये बड़ी माँ की आवाज है। तुमने बड़ी माँ को और दादी को एक कमरे में बंद कर दिया? यस। क्या हुआ, क्या हो रहा है? या जीजी और चाची क्या अंदर साथ में है? छोटी माँ, क्योंकि इस बेवकूफ ने उन दोनों को अंदर बंद कर दिया है। हम देते हैं। देख ले थे तुमको किशन का फोन के साथ छेड़छाड़ करते हुए। चाची हम क्यों किशन के फोन से छेड़छाड़ करेंगे, हमें तो उसका वो पासवर्ड भी नहीं मालूम है। यही फोन देना चाहते थे ना तुम किशन का हाथ में। अरे ये आपके पास कहाँ से आया? लाइए दीजिए, हमको दीजिए। अरे अरे कैसे बताएगी बुढ़िया तू, देखता हूँ तुझे मैं। अरे रुको बको, साक्षी तुमने दादी को देखा है क्या? दादी ना मंदिर में है ना उनके कमरे में है, और हमने पूरा घर देख लिया, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पे है वो? लो बताओ, जब दादी की दुम को नहीं पता है दादी कहाँ पर है तो हमको कैसे पता होगा? देखो लाडली पोती, आंखों का तारा,
कलेजे का टुकड़ा तो तुम ही हो ना, तो तुमको पता होना चाहिए। तुमसे मुंह लगना बेकार है, गलती हमारी है कि हमने तुमसे पूछ लिया। तुम तो बहुत जल्दी समझ गई। खुद ही जाके ढूंढते हैं दादी। तुम्हें कौन सी दादी की टेंशन है? अरे रुको 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 भैना रुको। अरे अरे यार, हम तुमसे एक चीज तो पूछना ही भूल गए। जिस पीठ से तुम हार रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी शर्मिंदा होकर कहीं छुप कर बैठ गई हो? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना? नहीं। वो देखो देखो, वाह 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 वाह, हमारी मूर्ति पर दो चुन्नी उड़ाई गई है और तुम्हारी मूर्ति तो खैर, अग्नि एक साक्षी दो। इसका मतलब हम तुम्हें दो बार हरा चुके हैं। नहीं नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि तुम दो बार हमसे हार चुकी हो, और हारने का परिणाम क्या होगा ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, है ना? वो देखो, जीतना तो हमको ही है। बताए तुम्हें क्यों? सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि हम जो काम करते हैं दिल से करते हैं, चाहे वो प्यार हो या वार। और तुम क्या करोगी? अब देखो, हमने जितने भी काम किए हैं वो सबके दिल छू गए हैं। हमारे दिल में अग्नि के खिलाफ जो नफरत है, उसके आगे कोई भी चीज मायने नहीं रखती। छोड़ो ये सब बातें, हमको तो ये भी समझ नहीं आ रहा हम ये सब बातें आपसे क्यों कर रहे हैं, जबकि हमको पता है कि आप हम पर पहले का भरोसा नहीं करते। हमको इस संदूक को बहुत दूर ले जाकर ठिकाने लगाना पड़ेगा। चाचा जी, कहीं आप इसमें हमारी दादी को लेकर तो नहीं जा रहे? संसार के सारे मेघों को इकट्ठा कर रहा है और वो एक दिन एक साथ इतनी वर्षा करवाएगा कि जल प्रलय आ जाएगा। मानव जाति को संसार से लुप्त होने से बचाने हेतु श्री कृष्ण करते हैं गोपनीय ढंग से विशाल नौका का निर्माण। संसार में जितने भी मत्स्य हैं, कोई भी जीवित नहीं बचनी चाहिए। जैसे ही वो चक्रधारी मत्स्य अवतार लेगा, उसका कंस नाम सत्य कर देंगे। यहाँ आपने हमें शगुन के लिए बुलाया और वहाँ आपकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रासलीला रच रही थी। ये रिश्ता हम तोड़ रहे हैं। तुम्हारी आंखों के सामने वो लोग मेरी मॉम को इतना बुरा भला बोलकर चले गए। तुम सब जानती थी, तुम्हें पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तुम चाहती तो उन्हें रोक सकती थी। अब इस गलती की देह प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। ये तुलसी से हर घाव आपके भर जाएंगे। हमारे भक्त का खून आखिर सही जगह पहुंच ही गया, चाहे जरिया मिस्री ही हो। ये सब किस लिए? आज के दिन हमका पांच सुहागन की गोद नारियल से भरनी है। सुहागन? माथे पे जो सिंदूर सजा हुआ है, तो तुम सुहागन ही हो ना? बाथरूम में हमरा और आपका कपड़ा गला हुआ है, वो आप धो देगा? अभी नहीं धोए। ठीक बात है, धो दीजिए। हाँ ठीक है, धो देंगे। और कपड़े धोने के बाद बाथरूम भी धो दीजिएगा। अच्छा, ये ना हमको काय देख रहे हैं? हमारे घर का काम करेंगे। मैं आपका नौकर हो रखा हूँ। हमारे नसीब भाभी जी के तो है, बीवी का नौकर हूँ, जमाने भर का नहीं। 150 दे देंगे। 2000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। यस और नो? नो। इनका पुत्र आपको ये वचन देते हैं, आपका कार्य चाहे कितना भी संभव क्यों ना, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। अपना पितृ ऋण अवश्य चुकाऊंगा। मैं तुम्हें अपना पितृ ऋण चुकाने के लिए अपनी माता की हत्या करनी होगी। उत्तर दे धर्म का रक्षक, कर्म के प्रणेता, भगवान विष्णु के छठे अवतार को क्यों बनना पड़ा मातृहंता? ओम नमः शिवाय। कल ही इसकी महापरीक्षा होगी, जिस परीक्षा में इसकी छूट से सारी परतें खुल जाएंगी। राजवीर अकेला अपने लिए तो ये सब नहीं करेगा, इस सब से सिर्फ एक इंसान का फायदा है। राजवीर के साथ साथ उस इंसान का भी पर्दाफाश कर दूंगा।